हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में मेडिकल स्टोर के डेमो को। तो आप इस वीडियो में जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि सॉफ्टवेयर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और क्या क्या ऐसे ऑप्शन हैं, क्या क्या फीचर हैं जो आपके मेडिकल रिटेल को मेंटेन करता है। जैसे ओवरऑल बात करें हम, आप अपनी परचेजिंग मेंटेन कर सकते हैं, आप अपने सेल्स को मेंटेन कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को मैनेज कर सकते हैं, डॉक्टर पेशेंट के अकॉर्डिंग उसके डेटा को मेंटेन कर सकते हैं और जो भी आपका स्टॉक होता है बैच एक्सपायरी से जो मेंटेन करते हैं, ये सारी चीजें आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारी आती रहती है। और अगर आपको सॉफ्टवेयर बाय करना है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये होम पेज है सॉफ्टवेयर का। अब इस सॉफ्टवेयर में क्या चीजें कहां पर है और कैसे यूटिलाइज होती है, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों इसमें ऊपर की साइड में अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जैसे नॉर्मल सभी सॉफ्टवेयर में होता है ये मेनूज हैं इनके, मास्टर का मेनू, ट्रांजेक्शन का मेनू, अकाउंट्स का मेनू, बुक्स का मेनू, जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट, जीएसटी, कंप्लीट जीएसटी रेडी है दोस्तों ये। तो ये ऊपर सारे के सारे मेनू मिल जाते हैं आपको। और यहाँ जो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं जो भी फीचर ज्यादा यूज करते हैं आप वो ऑटोमेटिक यहाँ रिसेंट हिस्ट्री में आ जाता है। और यहाँ राइट हैंड साइड पे आप जो देख पा रहे हैं ये शॉर्टकट बटन्स हैं जो कि कस्टमाइजेबल है, आप खुद से कस्टमाइज करके यहाँ अपने बटन्स को लगा सकते हैं। यानी कि जो मेनू के अंदर चीजें होती हैं अगर आपको ज्यादा इस अंदर जाके रिपोर्ट देखनी पड़ती है तो इस ऑप्शन को, ऐसे ऑप्शन को आप जो है इस बटन पे लगा सकते हैं ताकि एक क्लिक पे आपका काम हो जाए। और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं डैशबोर्ड है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से आपको जो है डैशबोर्ड दिखाएगा कि अब तक आपने कितनी सेल कर दी है, कितने बिल जनरेट हो चुके हैं और कितने लोगों की प्रिस्क्रिप्शन जो है पेंडिंग है और क्या आपने जो है कैश किया है, क्या बैंक किया है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होने लग जाती है। तो ये सारी चीजें दोस्तों डैशबोर्ड पे है। अब सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए वो होता है स्टॉक। स्टॉक जो है दोस्तों आप अपने बैच और एक्सपायरी के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। देखिए जैसे ये स्टॉक है और साइड में ही अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे टोटल 26 पीस है मेरे पास, लेकिन 26 पीस में कौन कौन से बैच है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इसका स्टॉक माइनस है क्योंकि इसमें गलत सेल एंट्री कर दी होगी, इस वजह से माइनस शो कर रहा है। अब ऐसे ही ये देखिए 40 मेरे पास है। अब ये 40.1 का क्या मतलब है, क्योंकि आपके इसमें क्या है टैबलेट, लूज टैबलेट भी सेल करते हैं तो उसी के हिसाब से आप अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। अभी देखिए 29.70 जो आपको दिखाई दे रहा है कि 29 तो स्ट्रिप है आपके पास और 70 लूज टैबलेट है। तो इस तरीके से जो लूज टैबलेट भी है उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं, प्लस में क्या एक्सपायरी है, क्या सारी चीजें हैं वो भी मैनेज कर सकते हैं। अब ये देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ बैच डिटेल को देखने के लिए तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे जाती है कि इसकी एक्सपायरी क्या है, इसकी एमआरपी क्या है, क्योंकि बैच के अकॉर्डिंग आपका एमआरपी चलता है। अभी मान लीजिए पुराना बैच आपके पास आया उसकी एमआरपी अलग है, नया बैच आएगा उसकी एमआरपी अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो स्टॉक है पूरा मेंटेन हो जाता है। अब उसके बाद जो है इसमें आप परचेज मैनेज कर सकते हैं। परचेज एंट्री पे जैसे जाएंगे आप जितने भी आपके परचेजर के अकाउंट्स होते हैं जिनका बैलेंस भी मेंटेन करना होता है, जैसे कि ये मेदांता मेडिकेयर, अब मैं इसका अगर कोई भी एक परचेज बिल चढ़ाऊं, अभी देखिए मान लीजिए मैंने ये मेडिसिन परचेज कर ली और जब भी आप परचेज एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपसे बैच की डिटेल पूछी जाती है। तो जैसे ही आप बैच की डिटेल यहाँ मेंशन करेंगे और जो भी इसकी एक्सपायरी है, एक्सपायरी आप मेंशन करेंगे और कितनी क्वांटिटी आपने बाय करी है, क्या रेट मिला है, क्या डिस्काउंट मिला है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप उसकी एमआरपी भी अपडेट कर सकते हैं। सपोज इसकी एमआरपी इस बार जो आई है मेरे पास वो आई है 40 रुपए की और जो इसका मैं बेचने का रेट रखूंगा, रेट इसमें होता है सेल रेट, अब बेचने का रेट मुझे 38 रुपए का रखना, तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ मैनेज। और फिर उसके बाद अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर कभी मिस्टेक हो जाए आपकी परचेज में तो आप अपनी परचेज को दोबारा से अपडेट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप अपनी परचेज को एडिट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। अभी देखिए यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आप यहाँ मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझसे अगर कोई मिस्टेक हो गई है, 30 की जगह पे मैंने 20 डाल दी गलती से, तो मैंने यहाँ दोबारा से 30 कर दिया और दोबारा से मैं इसको सेव कर दूंगा और उसी हिसाब से मुझे अब स्टॉक दिखने लगेगा। अभी बिल मेरा सेव हो गया। अगर मैं स्टॉक आपको चेक करवाऊं तो ये देखिए मेरे पास 30 इंजेक्शन है जो मेरे पास आए हैं अभी, और क्या बैच है ये आपको साइड में भी दिखाई दे रहा है। बाकी डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप इस पे एंटर करके बैच डिटेल पे एंटर कर सकते हैं। तो देखिए ये बैच है और ये एक्सपायरी है, हमने 2/26 की एक्सपायरी डाली थी, बेचने का रेट 38 रुपए और 40 रुपए इसकी एमआरपी का रेट, तो सारी डिटेल आपकी इसमें मेंटेन रहती है।
अब क्या है कि आपके पास बहुत बड़े बड़े परचेज आते हैं, 100-100 आइटम के, 80-80 आइटम के परचेज आते हैं, तो आप चाहे तो उसको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। इम्पोर्ट का मतलब ये होता है कि जो बिल आपके पास आया है, फिजिकल कॉपी जो आपके पास आई है, वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से जनरेट होके आई है। कोई टैली यूज कर रहा है, कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से जो है वो जनरेट होके आई है। तो आप उस पार्टी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप उन्हें बोल सकते हैं कि जो आपके पास बिल आया है उसका एक्सेल वो आपको देंगे। जैसे ही वो एक्सेल देंगे, उस एक्सेल को आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि जो आपका 3 घंटे का 4 घंटे का टाइम लगने वाला है 100-100 आइटम को चढ़ाने में, तो वो काम आप 10 से 15 मिनट में या 5 मिनट में कर सकते हैं इजिली इम्पोर्ट करके। इसकी जो है कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। तो स्पेशल अगर आप ये देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे इसको इम्पोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि परचेज को आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब दूसरी जो बात आती है परचेज की, वो ये आती है कि जिससे हमने परचेज किया है उसका अकाउंट, जैसे हमने मेदांता से परचेज किया है, तो देखिए 1426 रुपए हमें इसको पे करना है। तो साथ साथ आपकी अकाउंटिंग भी मैनेज होती है। तो देखिए यहाँ पे एक पेमेंट का ऑप्शन है। अब मान लीजिए मैंने मेदांता को पेमेंट करी है, तो मैंने पेमेंट पे क्लिक किया और आज की डेट में करी है 31 तारीख को, तो और उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मेदांता। अब इसका 1426 रुपए का बिल है, लेकिन मैंने राउंड ऑफली 1000 रुपए इसको पे कर दिया। अब जो 1000 रुपए पे करे हैं, अब इसमें मुझे बताना पड़ेगा कि कौन कौन से बिल के हैं। तो देखिए कुछ इस बिल के हैं और कुछ इस बिल के हैं, दोनों को मैंने एडजस्ट कर दिया, कैश में मैंने पे किया। अब मैंने जैसे पे कर दिया, अब मैं चेक करना चाहूँ कि भाई मुझे मेदांता को कितना पैसा देना है अभी। और तो अब देखिए मैं सर्च करता हूँ मेदांता, तो अब मुझे 426 रुपए पे करना है। पहले 1426 रुपए था, 1000 रुपए पे कर चुका मैं, अब मुझे 426। कभी हिसाब किताब समझ में ना आए तो इसी पे आप एंटर करके चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने जो है इसको 1000 रुपए की पेमेंट यहाँ पे की हुई है, पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जिनसे आप सामान ले रहे हैं उसका पूरा एक एक पैसा आप मेंटेन कर सकते हैं। अब तक तो हम सारी बात परचेज की कर रहे थे, परचेज को मैनेज करने की। अब हम बात करते हैं सेल में हमारे लिए क्या क्या ऑप्शन है। अब जैसे ही आप सेल करते हैं, तो सेल में जैसे आप जाएंगे तो देखिए सबसे पहला तो ऑप्शन ये मिल गया आपको, आप अपने पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं कंप्लीट, कि आपका कौन सा पेशेंट है, और साथ साथ आप डॉक्टर को भी मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए चलो यहाँ पे हम कोई ऐसे राउंड ऑफली नंबर डाल देते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर आपको बताता भी है कि ये जो पेशेंट है आपका, ये नया पेशेंट है, आप इसको फीड करके रखना चाहते हैं अपने सिस्टम में, तो आप इसे यस करें। अब जो भी पेशेंट का नाम है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेमो पेट करके, और जो भी इसका एड्रेस है एड्रेस डाल दिया, और भी यहाँ पे डिटेल्स है जो आपके पेशेंट ओपीडी के टाइम पे जो कुछ डिटेल्स ली जाती है, तो वो डिटेल्स है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और हर पेशेंट का आप चाहें तो अलग डिस्काउंट रख सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ इस पेशेंट का फिक्स 5% डिस्काउंट, कैश का कस्टमर है मेरा। और ऐसे ही आप डॉक्टर का भी अकाउंट बना सकते हैं, जैसे मैंने राउंड ऑफ लिस्ट में भी नंबर डाल दिए और एंटर किया, और देखिए ये भी बता रहा है कि इसमें जो ये डॉक्टर है वो है नहीं, तो मैंने इसे यस किया। और यस करने के बाद डॉक्टर को भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने डाल दिया डॉक्टर साहिल, और यहाँ पे मैंने डाल दिया मान लो दिल्ली, और रजिस्ट्रेशन नंबर में डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, और फोन नंबर में आपको डाल देना है, जो भी डॉक्टर होते हैं उनका लैंडलाइन नंबर होता है तो लैंडलाइन नंबर डाल दो, अगर फोन नंबर है तो फोन नंबर डाल दो। ऐसे ही डॉक्टर का कमीशन भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अब यहाँ बता दिया कि इस डॉक्टर को मुझे 10% कमीशन देना पड़ता है। और उसके बाद जो भी इसकी स्पेशलिटी है, मान लो स्किन का डॉक्टर है या किसका डॉक्टर है, आप यहाँ डाल सकते हैं। और क्वालिफिकेशन में जैसे मैंने डाल दिया MBBS, और उसके बाद फिर मैंने क्या क्या मेडिसिन दिया है, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा एंटर करूंगा कौन से बैच का मुझे सेल करना है और कितनी क्वांटिटी सेल करनी है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्वांटिटी का काम भी करता है, और जिसमें टैब स्ट्रिप है उसका टैब का भी काम करता है। अब देखिए मैंने एक क्वांटिटी दी, 40 रुपए का रेट आ गया। अब यहीं पे अगर मैं ये लूज सेल करता हूं, अब इस लूज में जो है 4 कैप्सूल 4 इसके वो है, आप कैसे पहचानेंगे, जब आप अपनी इन्वेंटरी करेंगे तो यहाँ पे पैकिंग का ऑप्शन भी मिलता है। अब इसमें 4 गोलियां हैं। अब देखिए मैं अगर इस आइटम को सेल करता हूँ, और मैंने डिसाइड किया मैं 2 गोलियां सेल करता हूँ इसे, तो मैंने 2 यहाँ पे डाल दिया और एंटर किया। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे 40 रुपए इसकी MRP है, 4 पत्ते की 4 पीस की इसकी पैकिंग है, 4 गोलियों की पैकिंग। अब 2 गोलियां मैंने सेल करी है, तो इसका बिल के यहाँ पे इसका अमाउंट क्या रहा है, 20 रुपए आ रहा है। अगर मैं इसे पूरी पूरी 4 गोलियां सेल करता तो 40 रुपए आता। अब 3 गोलियां सेल करूंगा तो उसी के हिसाब से रेट अपने आप ही डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 30 रुपए शो कर रहा है। तो ऐसे जो भी लूज टैबलेट है उसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब मैं बिल को सेव करूंगा, तो देखिए ये पूछ रहा है मेरे से सॉफ्टवेयर कि इसका कुछ ऐसा है कि हर
हफ्ते या हर महीने या हर कुछ दिन में इसका ये जो इसकी दवाइयां रिपीट होने वाली है, अगर होने वाली है तो आप इसे यस कर देंगे, इसका एक डेटा डेटा सेव हो जाएगा और फिर सॉफ्टवेयर आपको बताता रहेगा कि राम का टाइम आ गया है दवाई का, श्याम का टाइम दवाई का आ गया है। जैसे कुछ शुगर के पेशेंट होते हैं या कुछ बहुत सारे जो भी इस तरह की बीमारी होती है जिसमें एक दवाई का कोर्स होता है कि हर 20 दिन में, हर 10 दिन में, 5 दिन में ये दवाइयां जाती है, तो ये उस चीज को मेंटेन करने के लिए है। तो जिससे आपकी क्रॉस सेलिंग बनी रहेगी, कस्टमर के पास पूरा अपडेट रहेगा, क्योंकि इस चीज का आप जो है SMS भी भेज सकते हैं और उनको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 2-4 दिन पहले कि आपकी दवाई परसों खत्म होने वाली है, तो इस चीज से रिलेटेड है। और उसके बाद देखिए, जैसे मैंने एंटर किया और मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पे 5% आ गया डिस्काउंट, क्योंकि हमने पेशेंट के अंदर फिक्स कर दिया था। उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया और इस तरीके से जो है आपका ये इनवॉइस आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे आपकी कंपनी की डिटेल्स होगी और ये भी पूरा कस्टमाइजेबल होता है, आप कस्टमाइज करा सकते हैं। और यहाँ पे पेशेंट की डिटेल्स है, यहाँ पे मेडिसिन की डिटेल है कि क्या मेडिसिन हमने दिया है, क्या एक्सपायरी है, क्या बैच है, कितनी क्वांटिटी। अभी देखिए, अब यहाँ पे 0.3 दिखाई दे रहा है, तो मतलब हमने 3 गोलियां इसमें सेल करी है। और फिर लास्ट में क्या डिस्काउंट है, क्या GST है, ये सारी डिटेल्स और जो भी आपके टर्म एंड कंडीशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। और ये कस्टमाइजेबल भी, आप इस पर लोगो लगवाना चाहें, फोन पे UPI QR कोड लगवाना चाहें, तो ये सारे पॉसिबल हैं इसके अंदर। तो सेल बिल में इतनी पॉसिबिलिटी आपको मिल जाती है। अगर हमने प्रिस्क्रिप्शन को यस किया होता तो वो हमारा डेटा यहाँ पे आ जाता और पेंडिंग में हमें दिखाता अगर कोई पेंडिंग है। तो इसमें एक डेमो के लिए बना हुआ है, अब देखिए इसका जो है ये पेंडिंग है, ये दवाइयां जानी है इसकी। अब मैं इस पे एंटर करूंगा और Ctrl+W करूंगा तो देखिए इसके अंदर की मुझे दवाइयां दिखाई देगी कि क्या क्या दवाई जाती है इसकी। तो ऐसे ये आप कर सकते हैं। अब इसी चीज का जो है दोस्तों, हम यहाँ नीचे की साइड में देखेंगे तो हम इसको SMS भी कर सकते हैं, तो इनके पास प्रॉपर मैसेज चले जाएगा SMS का। और हम इसको जो है दोस्तों ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं, वो भी ऑप्शन जो है आ जाता है पी से। तो ये सारी चीजें हैं। अब स्टॉक भी हम मैनेज कर पा रहे हैं, पेशेंट भी मैनेज कर पा रहे हैं। अब दोस्तों एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि हमने जब सेल किया तो वहां पे हमने डॉक्टर का कमीशन 10% डाला है, तो महीने के अंत में या जैसा भी आपका डॉक्टर के साथ टाई अप चलता है तो उसको आपको रिपोर्ट देना होता है कि आपका कितना कमीशन बन चुका है, तो वो कमीशन रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए आगे डॉक्टर इंसेंटिव, और यहाँ पे किस डॉक्टर का इंसेंटिव निकालना चाहते हैं, मैंने सिलेक्ट कर लिया डॉक्टर साहिल, और कितनी तारीख से लेके कितनी तारीख तक, तो वो भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया। और भी डिटेल में आप फिल्टर लगाना चाहें पर्टिकुलर एक पेशेंट का, पर्टिकुलर एक डेट का, तो वो भी आप लगा सकते हैं, बहुत सारे यहाँ फिल्टर हैं पहले से। अब देखिए मैंने एंटर किया, व्यू किया, अब ये देखिए इस डॉक्टर का जो कमीशन तैयार हुआ है, यानी बना है जो कमीशन, वो बना है 5.93 रुपए का। क्यों? क्योंकि हमने जो अभी सेल किया है, जो इनके थ्रू जो सेल हुई है, वो 59.36 रुपए की सेल हुई है। और यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो इनका जो कमीशन है इसके ऊपर 10% है। अब 10% के आप हिसाब से निकालोगे तो ये आपका जो बनेगा इनका कमीशन, वो 5.93 रुपए का कमीशन बनेगा। अब देखिए मैं इसी डॉक्टर को एक सेल एंट्री एक और कर देता हूँ, और यहाँ पे डॉक्टर का अकाउंट सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से आप चाहो तो लिस्ट भी निकाल सकते हो अपने F1 क्लिक करके। तो मैंने यहाँ से डॉक्टर साहिल सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद अब जो भी बिलिंग मैं कर रहा हूँ, मान लो मैंने इस बार अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। अब मैं अगर देखता हूँ दोबारा से रिपोर्ट जाके कि मुझे डॉक्टर को पेमेंट रिलीज करना है, तो मैं पहले ये चेक करता हूँ कि डॉक्टर का कमीशन कितना बन गया, और डॉक्टर कौन है, डॉक्टर साहिल, और एंटर किया, और यहाँ डेट मेंशन करके मैंने व्यू कर दिया। तो ये देखिए, अब इसके थ्रू 2 बिल जनरेट हो चुके हैं, अभी आपको एक दिखाई दे रहा था, 2 थ्रू जनरेट हो गए। और यहाँ पे जो है दोस्तों पेशेंट का नाम भी आएगा कि कौन से पेशेंट को इन्होंने भेजा था। और उसके बाद फिर अब क्या टोटल कमीशन बन गया इनका, टोटल कमीशन अब बन गया दोस्तों इसका 23.79 रुपए। तो जैसे जैसे इनकी सेल होती रहेगी वैसे वैसे इनका कमीशन जनरेट होता रहेगा। तो कंप्लीट पेशेंट को भी मैनेज कर पा रहे हो प्रिस्क्रिप्शन मैनेज के लिए, और डॉक्टर को भी मैनेज कर पा रहे हो कमीशन देने के लिए। अब ये तो हमारी सारी बात होगी जो सिंपल आपके फार्मेसी में, आपके मेडिकल में आपको चाहिए ही चाहिए, जिसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। अब एडवांस में क्या है दोस्तों, एडवांस में ये है कि जब भी आप बिल बनाएंगे तो बिल का जो है व्हाट्सअप आपके कस्टमर, आपके पेशेंट पे पहुंच जाएगा। और इन सब का एक बार क्या है, हमें सेटिंग सेटअप करना होता है। ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर आप जो है ये सेटअप कर सकते हैं कि जब भी बिल बनाए तो ईमेल चले जाए आपके पेशेंट को और व्हाट्सएप चले जाए। और नीचे की साइड ही अगर आप देख पा रहे हो तो SMS का भी आप सेटअप कर सकते हैं कि जैसे बिल बने कस्टमर को मैसेज पहुंचे कि आपका बिल जनरेट हो गया है, इस तरीके से।
और उसके बाद दोस्तों रिपोर्ट्स के मामले में इतनी सारी रिपोर्ट्स है जो आप स्टॉक से रिलेटेड देख सकते हैं, स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं, बैच वाइज स्टॉक देख सकते हैं, डंप स्टॉक देख सकते हैं। डंप का मतलब ऐसे कौन से स्टॉक है जो 90 दिन से बिके नहीं है, आए तो हुए हैं आपके पास। स्टॉक की वैल्यूएशन देख सकते हैं, वैल्यूएशन मतलब आपकी दुकान में कितने लाख रुपए का, कितने हजार रुपए का टोटल स्टॉक सामान पड़ा हुआ है। और उसके बाद डिपार्टमेंट स्टॉक रिपोर्ट जो आपको चाहिए होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज्यादा आपके लिए, कि जो भी आप शेड्यूल H1 नार्कोटिक्स मेडिसिन सेल करते हैं उसकी अलग से रिपोर्ट जनरेट करता है सॉफ्टवेयर, तो ये रिपोर्ट आपको यहाँ पे आके मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों सेल की इतनी तरीके से रिपोर्ट्स है आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सेल आप कितनी पेमेंट कैसे कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, मोड ऑफ पेमेंट की रिपोर्ट देख सकते हैं, डॉक्टर के कमीशन की भी यहाँ पे आप रिपोर्ट देख सकते हैं, और उसके बाद पेशेंट की सेल्स देख सकते हैं पेशेंट वाइज, किसी का पर्टिकुलर एक पेशेंट का सेल देखना हो तो। और यदि आप होलसेल भी कर रहे हैं इसमें तो होलसेल के अकॉर्डिंग भी रिपोर्ट को देख सकते हैं, रिटर्न्स क्या क्या हो रहे हैं आपके सेल रिटर्न, और उसके बाद डे वाइज, मंथ वाइज, बिल वाइज, इतने सारे ऑप्शन है सेल रिपोर्ट को देखने को। पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का भी है कि एक प्रोडक्ट कितना सेल होता है, कितना परचेज होता है, इसकी भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें, अगर फिर भी कोई रिपोर्ट आपको समझ में नहीं आती इसमें, तो बिजनेस एनालिसिस में जाके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है रिपोर्ट को देख सकते हैं। जैसे कि आप खुद से जनरेट करना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ पहले पेशेंट की डिटेल, और पेशेंट के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे आइटम की डिटेल, कौन सा आइटम बिका, और मुझे जो देखना है वो सेल एनालिसिस करना है और डिटेल में जानना है इसके बारे में, और डेट में अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंटेन करना चाहता हूँ और शो करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कायदे के हिसाब से जो हमने चीज डाली वही आ रही है, आइटम आ रहा है यहाँ पे, और पेशेंट भी आपका आएगा यहाँ पे, और क्या बैच गया क्या। अब देखो यहाँ बहुत सारी चीजें शो हो रही है, आपका पेशेंट भी शो हो रहा है यहाँ पे, बैच, एक्सपायरी क्वांटिटी, इतनी सारी चीजें शो हो रही है। अब आप चाहते हैं नहीं मुझे सिर्फ तीन ही चीजें को बारे में जानना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी मिल जाता है कॉलम फिल्टर का। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे जितनी जरूरतें हैं आपकी आप उस पे टिक अनटिक करके बता सकते हैं, जैसे पेशेंट का नाम तो हमें चाहिए, आइटम का नाम चाहिए, बिल नंबर और डेट तो चाहिए, बाकी हमें बैच से कोई मतलब नहीं, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं। मान लो अगर आपको चाहिए तो आप टिक कर दो, जैसे कि अभी आ ही रहा है, तो ऐसे आप जो है मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैं ओके करूंगा तो देखिए वो सारे ऑप्शन हट गए, जितनी जरूरतें हैं हमारी उसी के हिसाब से हम क्या है देख पा रहे हैं चीजों को। तो अगर ऐसी कोई भी रिपोर्ट आपको समझ में नहीं आती या नहीं मिलती तो आप अपनी खुद की रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी चीजें जो है आपको इसमें मिल जाती है। अब इसमें अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी की तमाम वो सारी रिपोर्टें हैं जो आपको चाहिए होती है, अप टू डेट सारी रिपोर्ट है, GSTR 1, GSTR 2, 2A और 2B रिकंसाइलेशन भी है, और अब आप सॉफ्टवेयर के अंदर ही जो है अपने जीएसटी के आईडी पासवर्ड को डाल के रिकंसाइलेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। 3B है, 3B ऑफसेट रिपोर्ट भी है, 9 रिपोर्ट भी है, तो ये सारी रिपोर्ट जो आपके अकाउंटेंट को चाहिए होती है, जो आपके सीए को चाहिए होती है, वो सारी रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आप ईवे बिल भी यूज करते हैं तो ईवे बिल भी कंप्लीट यहाँ पे आप जो है मैनेज कर सकते हैं, और साथ साथ जो अभी लेटेस्ट जो फीचर है वो ई इनवॉइस का है, तो ई इनवॉइस भी आप जो है मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए कैसे, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जनरेट ई इनवॉइस सबसे पहले नंबर पे, ये देखिए ई इनवॉइस, तो ई इनवॉइस भी आप चाहें तो इससे मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे फीचर हैं जिसके थ्रू आप मेंटेन कर सकते हैं अपने पूरे मेडिकल स्टोर को, कि क्या परचेजिंग का रिकॉर्ड है, क्या सेलिंग का रिकॉर्ड है, क्या डॉक्टर का रिकॉर्ड है, क्या पेशेंट का रिकॉर्ड है, और जितनी भी जो रिपोर्ट स्टॉक से रिलेटेड है वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या ऐसे ऑप्शन है, क्या क्या ऐसे फीचर है जिसके थ्रू आप अपना मैनेज कर सकते हैं अपने फार्मेसी को। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर को बाय करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, जैसे ही आप बाय करेंगे हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आपको यूज करना है, ये तो मैंने एक ओवरव्यू बताया है, बाकी डिटेल में आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आगे आपको मिलती रहे, और अगर आपको सॉफ्टवेयर बाय करना है तो दिए गए नंबर पर हमारे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।